अगर आप आईपीएल देखते हो तो आप सबको पता होगा कि जिस तरह से विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर चला हुआ है और सोशल मीडिया पर भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है जो 1 मई की रात को लखनऊ सुपर जॉन्स और रॉयल चैलेंजर बंगलोर के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर की आपस की लड़ाई सबके सामने आई थी, जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर पर मैच का 100% जुर्माना लगाया गया था। वहीं एक अन्य खिलाड़ी नवीन उल हक को 50% जुर्माना लगाया गया था, लेकिन पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर इससे खुश नहीं है और वह काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि दोनों को मिली सजा को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह गारंटी नहीं है कि मैदान पर फिर कभी ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2023 के एक मुकाबले में सोमवार रात हुए बवाल के बाद विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर पूर्व क्रिकेटरों में इनके बीच हुए मैदान पर गर्मा गर्म बहस की ही चर्चा हो रही है। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैच के बाद हुए विवाद पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से दोनों पर मैच फीस का 100% जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन महान सुनील गावस्कर की माने तो यह सजा कम है, उन्हें कुछ मैचों से बाहर करना चाहिए। सुनील गावस्कर ने सवाल किया कि क्या जुर्माना इस बात की गारंटी के लिए पर्याप्त था कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मैच के दौरान विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच विवाद हो गया और अंपायरों और अमित मिश्रा के साथ हस्तक्षेप किया गया। बाद में तकरार बढ़ गई। बीसीसीआई ने मंगलवार को कोहली और गंभीर पर आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में उनकी पूरी मैच फीस बतौर जुर्माना वसूल की गई। हालांकि गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में भविष्य में इस तरह के झगड़े न हो इसके लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने कुछ समय पहले ही दृश्य देखे थे, मैंने मैच लाइव नहीं देखा था, ये चीजें कभी अच्छी नहीं लगती। 100% मैच फीस क्या है? वास्तव में 100% मैच फीस क्या है? यदि यह कोहली है जो आरसीबी के लिए शायद 17 करोड़ पाते हैं, जिसका अर्थ है संभावित 16 मैचों के लिए 17 करोड़, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल शामिल है, तो आप 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या उस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने से यह बहुत कुछ होगा? अच्छा, यह एक बहुत ही कठोर जुर्माना है। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि गंभीर की स्थिति क्या है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दोहराया न जाए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि यह इतना कड़ा जुर्माना है, इतनी कड़ी सजा है। आप क्रिकेट जोश के साथ खेलना चाहते हैं। जिस समय हम खेले थे उस दौरान थोड़ा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब हम जो अकरामकता देखते हैं वह अलग है। इसका बहुत कुछ इस तथ्य से जुड़ा है कि सब कुछ टीवी पर भी है। इस तथ्य के कारण भी आप टीवी पर है, आप शायद इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं। बल्लेबाजी के दिग्गज ने वास्तव में समाधान के रूप में कुछ मैचों के लिए निलंबन का सजेशन दिया, ताकि उनकी संबंधित टीमों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। उन्होंने कहा, मेरी राय है कि कुछ ऐसा करें जो सुनिश्चित करे कि ये चीजें फिर से न हो। अगर आपको यह पता है, जैसा कि 10 साल पहले हरभजन सिंह और श्री संत के साथ हुआ था, तो आपको उनसे कुछ मैचों से अलग होने के लिए कहना होगा। सुनिश्चित करें कि आप कुछ ऐसा करते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि चीजें न हो और कुछ ऐसा भी हो जिससे टीम को नुकसान हो। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह विराट कोहली और गौतम गंभीर की आपस में जो बहस थी वह लाइव टीवी पर भी आई, और इसको लेकर अब सुनील गावस्कर का कहना कि केवल यह जुर्माना लगाना कहाँ तक ठीक है, क्या इससे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी? सुनील गावस्कर कहते कि इससे अच्छा तो है जुर्माने के साथ साथ कुछ मैचों के लिए भी इनको टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।